मेरे पास जो डिवाइस है ये है सैमसंग M21 और यहाँ पे मैंने अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर इनेबल करा हुआ है और डायरेक्टली मैं नोटिफिकेशन पैनल से स्क्रीन रिकॉर्डर को एक्सेस कर सकता हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने सैमसंग M21 में या फिर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस है एम सीरीज का या फिर ए सीरीज का, उसमें आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे इनेबल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पैनल से कैसे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बता दूं, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाया वो एक थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प से मैंने इनेबल करा हुआ है, लेकिन ये जो ऐप ये आपके डिवाइस के साथ 100% कंपैटिबल है, सैमसंग डिवाइसेस के साथ 100% कंपैटिबल है। कुछ ऐसी दिक्कतें आने वाली कि मतलब स्क्रीन लैग होए, वॉइस लैग हो जाए, वीडियो लैग हो जाए, ऑडियो में कोई दिक्कत है, तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐप बिल्कुल फ्री है और परफेक्टली वर्क करता है सैमसंग के डिवाइसेस के साथ। तो एक बार आपको ऐप ओपन करके दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं कुछ ऐप का ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है और इस ऐप को डायरेक्टली आप लोग अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वन टैप से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपको ऐप की सेटिंग्स दिखा दो, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग वीडियो क्वालिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं वीडियो का, या फिर वीडियो की बिट रेट भी चेंज कर सकते हैं, बेसिकली क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ऑडियो सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो स्क्रीन रिकॉर्डर आते हैं उसमें आपको इंटरनल ऑडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको इंटरनल ऑडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब काफी बढ़िया ऐप है ये और बिल्कुल फ्री है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जाना आपको प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है ब्लू कलर का, ये मैंने डाउनलोड करा हुआ है। ये मतलब बहुत ही लाइट वेट ऐप है, मेरे ख्याल से 5-10 MB का ऐप पाएगा या फिर उससे भी कम MB का पाएगा ये ऐप। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो एक बार आपको ऐप ओपन करना है और यहाँ से रिकॉर्ड कर देना है। तो कुछ ऐसा आपको एक पैनल देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग आइकन मिल जाएगा और यहीं से आप लोग अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर को नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे लाने के लिए आपको जाना है 3 डॉट्स पे और इस पे जाना है बटन ऑर्डर पे। बटन ऑर्डर पे ऊपर ही आपको यहाँ पे कहीं स्लाइड करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली उसको ड्रैग डाउन करके यहाँ पे आप लोग सेटल कर देना। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर को नोटिफिकेशन पैनल में ला पाएंगे और यहीं से आप लोग अपने फोन की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो काफी बढ़िया ऐप है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती कि मतलब क्रैश हो जाए, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये जो ऐप है और फ्री ऐप है ये, सबसे बड़ी बात है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for